कार्यकर्ता को और जनता को लगना चाहिए कि नहीं ये एकजुटता का प्रतीक है, एकजुट तो है ही हम, लेकिन ये अकेले सिर्फ एक राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लगाना सही नहीं होता, इसलिए महागठबंधन के सारे दल के झंडे हमने अपनी गाड़ी पे लगा रखा है। महागठबंधन ये उनके लिए मुद्दा हो सकता है, लेकिन इस बार महागठबंधन की लहर है, मोदी लहर कहीं भी नहीं है और इनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है। मुद्दा महागठबंधन के पास है, हम जनता से जुड़े हुए, जन सरकार से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो हम उठाते रहे हैं, सड़क से लेकर के आप संसद तक, चाहे आप 13 पॉइंट रोस्टर को देख लीजिए या आरक्षण की बात ले लीजिए या बेरोजगारी का मुद्दा ले लीजिए या महिलाओं का मुद्दा ले लीजिए, तो ये सब मुद्दे हम लोग उठाते रहे और जनता बहुत बारीकी से उसको देख रही है, सुन रही है। आप यहीं देखें कि प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री हो, वो उनके भाषा का स्तर कितना नीचे गिर गया। मुजफ्फरपुर में सिर्फ एक डेढ़ घंटे घंटे भर का भाषण उन्होंने सिर्फ लालू जी और लालू जी के परिवार पर दिया, तो जनता उसको बहुत अच्छे से, और वो जो भाषण जो देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदा करता है, हमारे पार्टी के लिए, हमारे महागठबंधन के लिए बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि वो जो जब इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो जनता में बहुत आक्रोश होता है कि किस तरह से आप एक परिवार को टारगेट कर रहे हैं। तो इनके लिए सिर्फ एक ही मुद्दा है, लालू जी और लालू जी का परिवार, इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है और हमारे पास मुद्दों की कोई कमी नहीं। एक तो पाटलिपुत्रा बिल्कुल पटना कहा जाता है और वहाँ पर विकास नाम की, मतलब अगर मूलभूत सुविधाएँ कहा जाए तो पीने की पानी भी आज हम 21वीं सदी में हैं और यहाँ पर राज्य की सरकार 15 साल से है और केंद्र की 5 साल से है और पानी की भी हम व्यवस्था नहीं कर सके, सड़कों की बुरी हालत है। यहीं ये ग्रामीण विकास मंत्री रहे हैं जो भाजपा प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहीं भी सड़क नहीं बनाया है। दूसरी तरफ आप देखें कि महिलाओं के शिक्षा सुरक्षा और स्वास्थ्य की बात है और सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है वो है बेरोजगारी का मुद्दा नौजवानों का और शिक्षा का मुद्दा, तो हमारे लिए ये मुद्दे हैं और हम बहुत इन सब का समर्थन भी हमें